कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत योजना बनाता है, हाँ, कि लिखते हैं तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तू बीमार हो जाए, तेनु कैंसर हो जाए, बनाता है क्या? तो हम कैसे कहते कि परमेश्वर ने मेरे लिए बुरी योजनाएं बना रखी हैं? जब हम पापी पापी बंदे अपने बच्चों के लिए बुरी योजना नहीं बनाते, तो वो स्वर्गीय धर्मी स्वर्गीय पिता हमारे लिए कैसे बुरी योजनाएं बना सकता है? कैसे? लेकिन हम उन जगहों पे क्यों पहुंचते हैं? उसमें परमेश्वर की गलती नहीं है, हमारी खुद भटक जाने के कारण। इसीलिए प्रभु ने कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। हम पढ़ते हैं उस मैनुअल बुक को, इस फोन को आग से दूर रखना है, इस फोन को पानी में नहीं डालना, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, और ये बातें हमारे चित्त में बैठ जाती हैं और हम हमेशा ध्यान रखते हैं उस चीज का। इसी तरह परमेश्वर के वचन को भी, उसकी आज्ञाओं को, उसके नियमों को, उसके लॉ को अपने दिमाग में रखना है, उसके विरोध में नहीं चलना। कितनों को समझ आ रही है? जब विरोध में चलेंगे तो क्या होगा? फोन खराब होएगा। लेकिन अगर उसको ध्यान रखेंगे तो हम अपनी लाइफ में हर वो चीज जो प्रभु ने हमारे लिए सोची है हम पाएंगे, और जो आपने भी सोची है वो भी आप पाओगे। हालेलुया। आपने अपनी लाइफ में सोचा मुझे ये करना है, मत सोचो मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, वो योग्यता प्रभु ने आपके अंदर डाली है, वो आपके अंदर डाली है परमेश्वर ने। हालेलुया। सिर्फ आपको नियमों को फॉलो करना है। कितनों को समझ में आ रही? अभी जैसे ही रेड लाइट दिखती है हमें क्या पता होता है? क्या पता होता है? हाँ, कि रुकना है, और हम 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट भी होती है, हम वहां पे ठहर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कोई नहीं है, चलो निकल जाओ, थोड़ी आगे मोड़ मोड़ते पुलिस वाले खड़े होते, बोले रुक 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 रुक। हाँ, हमने क्या किया? जैसे ही कानून को तोड़ा, परमेश्वर के नियम को तोड़ा, हम किसी बुरी परिस्थिति में पड़ जाते हैं। ये प्रभु की इच्छा नहीं है, लेकिन हमारे कानून तोड़ने के कारण, उस नियम को तोड़ने के कारण हम उस परिस्थिति में पड़े हैं। हालेलुया। और फिर हमें फाइन भरना पड़ता है, पैसे देने पड़ा, बहुत गुस्सा आता है, क्यों हो रहा है? लेकिन प्रभु की योजना नहीं थी आपके लिए। लेकिन आपकी जल्दबाजी, आपकी रूल को फॉलो ना करना, इसी कारण लोग गलत जगहों पे आज सक्सेसफुल नहीं है। आज मुझे पता था परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे पता था मुझे कुछ लोगों को छोड़ना है, मुझे पता था कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं करनी अपने लाइफ में, और मैंने उन चीजों को फॉलो करना शुरू किया, उन चीजों से दूर होना शुरू किया, और एक टाइम आया आज आपके सामने है। आप गाड़ी में, नहीं नहीं मुझे तो पेट्रोल महंगा है, चलो मैं जी पानी चबा के पेट्रोल गाड़ी चला लूं। उसको डिजाइन ही उसी तरह से किया गया है, और उसके बाद उस मैनुअल बुक दी गई है। अगर आप अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से कुछ उल्टी सीधी चीजें करेंगे, खोलेंगे, जोड़ेंगे उसे, तो वो क्या होगा? खराब हो जाएगा। और ऐसी हमारे जीवन में हम जो रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं अपनी जिंदगी में, और हम दुख में पड़े होते हैं, और हम सोचते हैं शायद प्रभु की ये योजना थी। नहीं, प्रभु की एक भी ऐसी योजना नहीं आपके नुकसान की, आपकी हानि की नहीं है। हालेलुया। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे, मैं चर्च जाना पसंद नहीं है मुझे, मैं घर पे बैठे टीवी देखूंगा। प्रभु की इच्छा है कि आप घर पे बैठ के टीवी देखें? उसकी क्या इच्छा है? आप परमेश्वर की आराधना करें? लेकिन अगर आप कहें नहीं 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 नहीं, तो आप किसको, आप
नियम को तोड़ रहे हैं और आपको नहीं पता आप घर पे बैठे कौन सी गंदी मूवी देखें और किसको अपने घर में बुलाएं और कौन से पाप में गिरे, ये प्रभु की योजना नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर ने एक औरत आदमी को डिजाइन किया, समझ में आ रही है, ताकि उनके उसके मिलने से बच्चे पैदा हो सके। वो प्रभु की, प्रभु ने डिजाइन किया आदमी को भी औरत को भी, लेकिन उस चीज को अगर आप गलत तरीकों से यूज करते हैं तो क्या होगा, आपको पता है क्या होगा, समझ में आ रही है। परमेश्वर ने लॉ बनाया, एक लड़की एक लड़का शादी करे, बच्चे पैदा करे, वो लॉ है परमेश्वर का, उसी ने बनाया है, समझ में आ रही है आपको। लेकिन अगर आप उस चीज को, लॉ को तोड़ रहे हैं, शादी से पहले गलत काम, शादी के, समझ में आ रही है आपको, आप गलत जगहों पे पड़े होंगे, आपका घर खराब होगा, आपका जीवन, आपकी शांति खराब हो जाएगी, और फिर हम प्रभु को दोष नहीं दे सकते। आपको उस कानून को, उस लॉ को फॉलो करना है। परमेश्वर ने, हम स्मोकिंग कर रहे हैं, क्या होगा उससे, हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे, फेफड़े खराब हो जाएंगे, हम शराब पी रहे, हमारा लीवर खराब हो जाएगा एक दिन, और हम पड़े होंगे लंबे और लोग उठा के लेके जा रहे हो। प्रभु ने हमें बनाया कि तू दूसरों को सहारा दे, तू दूसरों के लिए आशीष का कारण बन, लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं, और हम फिर प्रभु को दोष देते हैं, आपके कारण हो नहीं सकता, शायद इसकी किस्मत में ये लिखा था, कोई किस्मत नहीं है, कोई लक नहीं है, लोग कहते हैं मैं बड़ा लक्की हूँ, कोई लक्की नहीं, सब प्रभु ने डिजाइन किया आपको, परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपने परमेश्वर के नियमों को फॉलो किया, आप जहाँ हैं वो परमेश्वर के कारण है, क्योंकि प्रभु ने आपको इसीलिए बनाया था, उसमें उसके लिए प्रभु की महिमा है। हालेलुया। जब जब लोग नियमों को तोड़ते हैं गलत जगहों पे होते, प्रभु की योजना नहीं है आप बीमार रहो, प्रभु की योजना नहीं है आप गरीब रहो, प्रभु की योजना नहीं है आप अपनी लाइफ में फेल हो, आप एक कामयाब इंसान ना हो, ये प्रभु की योजना नहीं है। प्रभु ने वो सारी चीजें ऑलरेडी आपके अंदर डाली है। हालेलुया। प्रभु आपको सक्सेसफुल होना, होते हुए देखना चाहता है, पर क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रोडक्ट को बनाया ही, डिजाइन ही ऐसा किया है कि वो पूरी दुनिया में चमके, वो पूरी दुनिया में, क्योंकि प्रोडक्ट का की बेइज्जती नहीं है बनाने वाले की। इसीलिए जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ता है उसके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें, वो कामयाब होता है, उसके जीवन में बहुत अच्छी चीजें होनी, गवाहियां बननी शुरू हो जाती हैं, वो हमारे कारण नहीं, क्योंकि प्रभु का नाम आपके साथ जुड़ चुका है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है, शरीर कभी भी परमेश्वर की चीजों को फॉलो करने नहीं देगा आपको। आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन पे चलना है। आप जब भी कुछ भी खरीदते हो जो तैयार की जाती हैं, फ्रिज, टीवी, एलईडी, कुछ भी खरीदते हो, उसके साथ एक मैनुअल बुक आपको मिलती है और उसमें बनाने वाले के विचार, बनाने वाले के बारे में लिखा होता है, उसमें उसको कैसे चलाना है बताया जाता है, उसकी गारंटी होती है उसमें, और उसको बताया जाता है इसको बचा के कैसे रखना है, ये सारी चीजें उस मैनुअल बुक में होती है। और इंसान की ये मैनुअल बुक है, इसे पूरा पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी आपको चलना कैसे है, आप लगातार कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। हालेलुया। इसे पूरा पढ़ो,